लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें बड़े पैमाने पर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम की इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में लॉन्च किया गया। इस योजना के डिजिटल शुभारंभ में 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में जिन वीरों ने बलिदान दिया है, ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इस पर गर्व है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे, अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए 116 जिलों के 25,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के साथ इस अभियान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, इन 6 राज्यों को लाभ मिलेगा और साथ ही प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा।